यस सर। भाई मेरे इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? और इंडिया का नंबर वन स्टूडेंट कौन है? 28 अक्टूबर की बैच। वेरी गुड, 28 अक्टूबर की। हेलो, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसे टेलीकॉम से दुर्गेश और हमारे साथ है मिलन सर। हेलो। और हमारे साथ है दो स्टूडेंट और हमसे पूछेंगे कि जब इन्होंने ऐसे टेलीकॉम जब आए क्या सोच के आए थे और इनका थ्रू आउट एक महीने का सफर कैसा रहा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेमसी का और यहाँ का डिसिप्लिन कैसा रहा और बैकअप सपोर्ट क्या क्या मिलने वाला है, ये सारा कुछ हम इनसे पूछने वाले हैं। तो चलिए, अपना नाम और कहाँ से आप? मेरा नाम राजू मौर्य सर, मैं लखनऊ से आया हूँ। राजू जी, आप बताइए ऐसे टेलीकॉम क्या देख के आपने ज्वाइन किया, क्या वे था आपका ज्वाइन करने का? सर, ऐसे टेलीकॉम का आने का मकसद मेरा ये था। नहीं, आपने क्या सोर्सेज देखे थे? यूट्यूब फेसबुक कहाँ से फॉलो? यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे देखा था। कितने सालों से वॉच कर रहे हैं? 6 महीने सर। 6 महीने से क्या लगा आपको 6 महीने में, जब आप 6 महीने हमें देखते थे आप ऑनलाइन और आज खुद लाइव हैं आप? जी सर, सबसे बड़ी चीज ये है कि एशिया टेलीकॉम की जो टीम है जी वो नंबर वन टीम है और सबसे बड़ी चीज ये है। अच्छा, ये नंबर वन बोल के है कि काम करके? काम करके सर। अच्छा जी, काम करके है। तो बताइए थ्रू आउट जो आप 6 महीने देखते थे और आज आप लाइव दे रहे हो, तो दोनों वो फेक था या ये फेक है? नहीं, ये फेक नहीं, फेक वो भी नहीं ना फेक ये है सर। अच्छा। दोनों में कोई फेक नहीं है, जो चीज है वो वास्तविक है। यहाँ पर जैसे आज हम बोल रहे हैं, कोई और जो देख रहा होगा वो भी आएगा, फिर लाइव होगा। जी सर, और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे जो गुरु जी हैं देव सर, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, वो महासागर हैं। उन लोगों से हम लोग जितनी जानकारी ले पाए उतना कम है। और जैसे कहते हैं कि कुछ नहीं आना, कुछ नहीं आता, दुकान खोल बैठ जाता, तो पहले हम लोगों का समस्या यही थी कि कुछ नहीं आता था, 5-10% से कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास 50% वास्तविक जानकारी है किसी भी सेक्टर की तो आप कर सकते हो, वरना ऐसे कोई काम करना बहुत मुश्किल है। तुक्का मारना तो ठीक है, लेकिन वो सब कस्टमर को बेवकूफ बनाना। डिसिप्लिन कैसा है यहाँ का? डिसिप्लिन यहाँ का बहुत ही जबरदस्त है सर। डिसिप्लिन से हम लोग को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है। डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो आदमी भविष्य में कुछ भी नहीं कर सकता सही से। चलिए, तो देव सर के साथ हार्डवेयर का सफर कैसा रहा आपका? देव सर के साथ हार्डवेयर का सेक्शन तो कुछ कहना ही नहीं। कंपोनेंट के बारे में जो जानकारी मिली वो तो कंपोनेंट के बारे में हम लोग कुछ जानते ही नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। एक रजिस्टर, एक डायोड, एक कैपेसिटर, एक कॉइल क्या होती है, कितने माइक्रो हेनरी की होती है, कहाँ पे क्या लगती है, कैपेसिटर क्या होता है, सीरीज में लगा तो क्या होगा, पैरेलल में लगा तो क्या होगा, जो हमको जानकारी मिली है। अब वो जो हम लोग पहले गलती कर चुके वो गलती अब दोबारा नहीं होगी और अब कस्टमर के जो फोन बनेंगे वो एकदम परफेक्ट, चाहे वो डेट सेक्शन हो, नेटवर्क सेक्शन हो, कैसा रहा? अब तो कहने का मतलब ये है कि मोबाइल जैसे कहते हैं कि हलवा लगने लगा है, मोबाइल जैसे मोबाइल देखने का नजरिया भाई बदल गया है। पहले तो हम लोग को देखने का डर लगता था कि शॉर्टिंग चेक किया तो है, बीप बज रहे तो शॉर्टिंग, नहीं तो भैया ले जाओ। अब तो ये है कि सब कुछ डीपली जानकारी पूरी मिल जाएगी। ओके, उसके बाद फिर आपका सॉफ्टवेयर का सफर कैसा रहा? सॉफ्टवेयर का सर, सबसे पहले हम लोग करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे, एसपी फ्लैश टूल से मीडियाटेक क्वालकॉम सब करते थे। और रही बात ये, पहले एरर देख के डर लगता था, एरर आया तो भैया दूसरे के पास भागना लेके, कस्टमर खड़ा है फिर भी। लेकिन अब ऐसा हो गया, एरर जानकारी नहीं होती तो कोई भी चीज़ बहुत बड़ी लगती है। लेकिन हमारे दुर्गेश सर ने जो जानकारी हमें दी है एरर के बारे में, वो जानकारी अब एकदम हलवा हो गया है। हलवा हो गया सर। चलिए, उसके बाद फिर आपका मिलन सर के साथ एमएमसी क्लास थी जिसमें ब्लैक पेस्टर, डुअल टेकर और यहाँ पे प्रोग्रामिंग की क्लास थी, तो कैसा रहा मिलन सर के साथ? सर, मिलन सर की तो कहते हैं ना भारत के वो मोबाइल सेक्टर के कोहिनूर है, एमएमसी सेक्टर के बाद जो बात है वास्तविक है। जिस हिसाब से उन्होंने हम लोग को जानकारी दी है, पहले हम लोग कटिंग पेस्टिंग में जो है अगर पेस्टेड आईसी आ गया तो डर लगता था, हम लोग पेस्टेड छूते नहीं थे और प्रोग्रामिंग तो जानते ही नहीं थे। आईसी निकालने के बाद छोड़ो, कुछ नहीं जानते थे, आईसी निकलेगी नहीं तो प्रोग्राम कैसे, प्रोग्रामिंग कहाँ पे होगी। लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब कैसा भी काम है, क्योंकि अब हम लोगों को ये समझ में आया है कि 60% जो काम होता है वो एमएमसी से ही फोन डेड होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये, अब तो बिना यूएफआई के, बिना एमएमसी निकालने लगाने का तरीका अगर नहीं मालूम तो मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोल के मत बैठिए, अगर अच्छा काम करना है तो, बाकी सीधा काम करना तो कोई बात नहीं। आपने बोला यहाँ से जाने के बाद आपकी प्लानिंग क्या है? सबसे बड़ी चीज़ प्लानिंग ये है सर, जिसको हमको जो जानकारी मिली है, हमारी दुकान है, दुकान पर तो मैं बैठूंगा लेकिन धीमे धीमे अपनी मैं स्टडी करूंगा और उसके बाद घर पर सबसे पहली चीज़ लैब बनाऊंगा कि 2-3 घंटे 4 घंटे काम प्रैक्टिस करना लगातार। जितनी मेहनत आपने यहाँ पे की है उतनी मेहनत आपको शॉप में भी जाके करनी। जी जी बिल्कुल सर, जिस डिसिप्लिन के साथ आपने यहाँ पे पढ़ा है उसी डिसिप्लिन के साथ आपको जाके काम भी करना। जी बिल्कुल सर, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन यहाँ पर आके हमें जानकारी मिली कि डिसिप्लिन होना कितना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है।
चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हमारे नेक्स्ट मिलन सर पूछेंगे। हमारे साथ और एक स्टूडेंट है, आपका नाम? जी मेरा नाम सलीम है, मुजफ्फरनगर यूपी से। ये यूपी से सलीम जी। सलीम जी बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा डे वन? मैं बात करना चाहता हूँ, जब आप काउंसलिंग क्लास में आए और आपको बोला गया था कि आपको 4 दिन आप यहाँ पे पढ़िए और 4 दिन में अगर समझ में नहीं आया तो आप पैसा रिटर्न ले सकते हैं, ठीक है ना? तो आपने कितने दिन में समझ गए थे कि पैसा रिटर्न लेने वाला मैं नहीं हूँ? फर्स्ट डे में समझ गए थे सर। फर्स्ट डे में ये आप खुद समझे थे क्या? पूरा क्लास समझा था? पूरा क्लास समझ गया। ऐसा कोई आपके बैच में हुआ था कि कोई रिटर्न लेके गया? कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं रहा सर। ऐसा रहा था नहीं सर। सर ने पूछा था, चौथे दिन पूछा था, लेकिन पहले दिन हमने मन बना लिया था कि फीस तो रिटर्न लेना ही नहीं है। फीस रिटर्न तो लेना नहीं है। आपके पास ऑप्शन रहता है, अगर आप भी सीखने आते हैं हमारे पास, अगर आपको हमारी क्लास समझ में नहीं आता है तो आप 4 दिन के बाद अपना फीस रिटर्न ले सकते हैं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आपका क्लास बढ़ते गया, जैसे ऑडियो सेक्शन हो गया, लाइट सेक्शन हो गया, ग्राफिक सेक्शन हो गया, नेटवर्क सेक्शन हो गया, ये सेक्शन वाइज काम चलता था कि कभी भी कोई भी सेक्शन उठा लेते थे? नहीं सर, स्टेप बाय स्टेप सेक्शन वाइज सेक्शन पढ़ाया गया हमको और डेली हमें ऐसा लगता था कि आज कुछ नया चमत्कार हुआ है हमारे साथ। नया चमत्कार हुआ है। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे प्रोटोकॉल चलता है, लोग I2C के नाम से डर जाते थे, MEP की लाइन देख के डर जाते थे, SPL की लाइन देख के डर जाते थे, ये सारे बारे में आप पूरी तरीके से जानते हैं? अब जानता हूँ सर, लेकिन पहले हमें भी ऐसे डर लगता था, हम सुनते थे I2C होता क्या है, ये पता नहीं था सर हमको। अब उसके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आया, उसमें क्या रीडिंग आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, क्या रीडिंग आया तो सही है, क्या नहीं आया तो सही, ये सारे सब कुछ क्लियर है आपका? सब क्लियर है सर। सब क्लियर है जी सर। नेक्स्ट पूछना चाहूंगा, डेट सेक्शन कैसा रहा आपका? डेट सेक्शन एकदम मस्त सर। मस्त डेट सेक्शन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सर डेट सेक्शन और नेटवर्क सेक्शन में होती है किसी भी टेक्नीशियन को, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में सब प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। उसके बाद सॉफ्टवेयर की बात करें, आप पहले क्या सॉफ्टवेयर करते थे? नहीं सर। सॉफ्टवेयर में कैसा रहा आपका सफर? सॉफ्टवेयर में सर दुर्गेश सर ने जो ट्रिक बताई है हमको, जो बातें सिखाई हैं सर, उससे बहुत ईजी हो गया, बहुत ही ईजी। हमें पहले बहुत डर लगता था कि हम सॉफ्टवेयर कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन दुर्गेश सर ने ऐसा ट्रिक और इस तरीके से सिखाया है कि ये मान दो हमारे दिमाग पे छाप दिया है इन्होंने। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ऐसा तो नहीं आप कुछ पूछ रहे हैं दुर्गेश सर या देव सर कुछ बोल रहे हैं? नहीं सर नहीं। हर सवाल का जवाब हमारे डाउट्स क्लियर होने के बाद भी सर पूछते थे, और कुछ डाउट्स हैं तो पूछ लीजिए। बिल्कुल। और मैं बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट की, MMC या पेस्टेड IC में कैसा रहा सफर आपके? MMC पेस्टेड IC को देख कर सर पहले बहुत डर लगता था जी, कभी खोले ही नहीं था जी, तो यहाँ पे आने के बाद में ट्रिक्स पता चली, तरीका पता चला, अब बहुत आसानी से काम कर लेंगे सर। बहुत आसानी से जी सर। MMC चेंज कर पाएंगे आप? जी सर, प्रॉपरली जी सर। और डबल डेकर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? डबल डेकर के बारे में सर थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन ये है कुछ दिन के बाद ये होगा मार्केट में, हम नहीं कर पाएंगे तो कोई भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे आपकी तरफ से, आपकी राय क्या होना चाहिए आने वाले, कोई अगर देख रहा है हमारी अभी लाइव और वो सोच रहा है आने के लिए, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? अच्छा भविष्य इस लाइन में बनाना है, अच्छी नॉलेज पानी है तो आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आना, बहुत ज़रूरी जी सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप दोनों को ही, और मैं आशा करता हूँ आप लोग दोनों बहुत अच्छा काम करेंगे, और हम एशिया टेलीकॉम की पूरी टीम आपके साथ लाइफ टाइम जुड़े हुए हैं और अपना नाम खुद अपने शहर में पूरे इंडिया में नाम कमाए। थैंक यू वेरी मच। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर CPU को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिवॉल्व भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डे आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। CPU भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल टेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल टेकर CPU करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल टेकर कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की? ये आपने किया? सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल डेकर क्या है? मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताओ? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर CPU आपने क्या क्या किया उसमें बताओ सर? डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका CPU और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर?
बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया कर? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर, खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना